औरंगाबाद की जो आवाम है, साथ में हमारे इम्तियाज़ जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सब वहाँ बैठे हुए हैं। आज तकरीबन वहाँ पे छठा सातवां दिन है, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, सब एक शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे धरना आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन ये है कि औरंगाबाद औरंगाबाद था, है, रहेगा, ये हम औरंगाबादी जितने भी सबका ये मानना है। अब लोगों को एक ये भी है कि नहीं, सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं लोगों के औरंगाबाद नाम से, और क्यों चेंज करना है, एक इतनी हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पे दो दो बड़े मोन्यूमेंट्स हैं जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, तो उसको अचानक से सरकार अपनी राजनीति के लिए चेंज करती है, तो लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी थी। तो उन्होंने कल कैंडल मार्च भी किया, और आपने देखा होगा कि पूरा औरंगाबाद कैंडल मार्च में उभर चुका था, सब आ गए थे रस्ते पर, लेकिन कहीं भी आपने किसी भी तरह की कोई बदतमीजी नहीं देखी। तो सब पीसफुली चाहते हैं कि हम हमारा सरकार के जो विरुद्ध धरना, और संविधान ने अधिकार दिया है कि अगर आप सरकार की किसी नीति से असंतुष्ट हो तो आप कर सकते हैं धरना पीसफुली, तो वही कर रहे हैं वो लोग, तो उसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए। को जो मैटर है कोर्ट में पेंडिंग है, अब पेंडिंग द मैटर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पास कर दिया है तो उसकी सुनवाई होगी, और मुंबई उच्च न्यायालय के अंदर काफ़ी पिटीशन लोगों ने डाला हुआ है औरंगाबाद को लेकर, तो उसकी सुनवाई के लिए मैटर रखा हुआ है, लड़ रहे हैं उसमें, हमारे MIM की पार्टी भी शामिल है, लड़ रहे हैं वो लोग भी इस पिटीशन के दर के साथ में है सब। हमको यकीन है कि उच्च न्यायालय है, मुंबई हाईकोर्ट है, वो सुनवाई करेगी दोनों पक्ष का, और जो भी बेहतर होगा फैसला करेगा। हमारा तो यही मानना है आज भी कि औरंगाबाद था और इंशाल्लाह ताला औरंगाबाद रहेगा, लेकिन ना था वो कर रहे हैं ना, अचानक से ज़रूरत क्या पड़ी थी आपको नाम चेंज कर देने की, आप प्रॉपर प्रोसीजर था, और क्या चेंज करके हासिल हो जाता है। देखिए नामकरण करते हैं ना ये बीजेपी वाले जब से आकर, मेरा तो सवाल यही रहता है कि क्या नामकरण से जो बेरोज़गार युवा है उसको रोज़गार मिल जाता है, नहीं, क्या जो बढ़ती हुई महंगाई दर है वो कम हो जाती है, नहीं, तो फिर क्यों नामकरण करके किसी भी राष्ट्रवादी का, क्या सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म तो हमने देखा ना राष्ट्रवादी का, यहाँ पर तो शरद पवार साहब शिवसेना के साथ में हैं, बीजेपी के अगेंस्ट में, वो बीजेपी जिन्होंने NCP के नेता नवाब मलिक साहब को जेल में डाल दिया, और नागालैंड में शरद पवार जाकर उनसे हाथ मिला लिए बीजेपी के साथ, तो सत्ता के लिए तो कुछ भी कर रहे हैं आप, हम सब देख ही रहे हैं क्या हो रहा है सेकुलरिज्म के नाम पे, किस तरह लोगों को ठगा जा रहा है ये, पर जनता जनार्दन है सब याद रखेगी।